निंदिया ते उस्तत एक ही सिक्के दे दो पासे, एक पासा निंदिया ते दूजा पासा उस्तत। जिथे झूठी उस्तत होगी ओदी भी मैल ते पाप ओना ही है जिन्ना निंदिया दा है। निंदिया है कि निंदिया जदो जन्म लेंदी है खौमे तो लेंदी, उंज तां बाकी भी सारे वासना ने पर खौमे चो। पर मैं फिर भी बेनती करांगा जे किसी ने इन्हां संबंधी गुरमत की किसी लेखनी चो पढ़ना हो सारी खेड की है। डॉक्टर चरण सिंह उन्हां दी इक किताब सी जंग मड़ोली, भाई वीर सिंह दे पिता जी दी 100 साल बाद पुस्तक छपी है वो नावल। नावल का मतलब आ पात्र बाहर दे नहीं, मन्ना सिंह मन की गल करके उन्हें सिद्ध किया भी खिंडिया मन की करता है ते खिंडे हुए नूं टकाया किवें जा सकदा। बड़े ध्यान नाल पढ़न वाली वो पुस्तक है। बेनती मैं करांगा कि निंदिया जिहड़ी है यह खौमे विचों निकलिया होया नसूर है, जख्म है। जदों किसे दी खौमे नूं सट वजदी है मेरे बराबर, वह कोई भी फील होवे उहदे विचों फिर ईरखा पनपदी जिहड़ा असीं अगे विचारदे। ते जदों ईरखा जन्म लैंदी जैलस जन्म लैंदी है, कुछ दिन बंदा रोकी रखता जैलस नूं पर जदों इहदे तो नहीं रोकिया जांदा फिर उदों इस तरह फटदा कि निंदिया दा फोड़ा। फिर वह बंदा जदों नहीं सह सकदा उदों फिर किसे दे गुणा नूं औगणा दे रूप च पांडदा। फिर बेनती सुनियो, निंदिया है कि किसे दे चंगे गुणा नूं किसे दी शोभा नूं किसे दी बणी कोई वडियाई नूं मिट्टी विच रोलना ते इहो जिहियां तोमतां ते दोष लाने जिहड़े उहदे जिंदगी विच कदी चित चेते भी ना होण। जिहड़ा बंदा इस कर्म करदा है इस तरह करेगा चेते रखियो उस निंदक बंदे दा अंदर भी कदी टिक नहीं सकदा। फिर बेनती करें नूं बड़ा सरल कि खिड़े हुए फुल नूं जैलस अधीन कह देना कि कठोर कंडा है ते जिस विचारे ने फुल नहीं देखा वह कंडा जान के भरोसा कर ले, नेड़े ना जाए। मैं बेनती करा साडे सिख जगत कई बार सानू जिंदगी च ऐसे सज्जन मिलते सुनन मिलता है कि असी फलाने बंदे बारे इन्ना माड़ा सुनिया इन्ना सुनिया ते असी विचार बना बैठे इन्ना भैड़ा बंदा है। पर जदों दी थोड़ी जी संगत की सानू पता लगा अज तक असी गुमराह ही होंदे रहे। मैं कई बार कहना हुन्ना हनेरे च तीर ना मारिए, ते असी बहुत गिनती च हनेरे च तीर मार रहे। जिस बंदे बारे असी जानते नहीं ईरखा अधीन बोले हुए शब्द निंदिया दे असी अंदर कुट के गंढ बन लैने हां, फिर रब बचाए सानू। सच ये वे कि जिन्ना बंदा औगणा का मैसेज कन्वे करदा है जे किते ना धर्म का मैसेज कन्वे करे तो दुनिया च टिका बन जाए। औगण बड़ी छेती अगे तुरदा है। मैं बेनती करांगा फुल नूं कंडा कहना यह फुल की निंदिया है ते कंडे नूं फुल कह के लोकां च प्रचारना कंडे की उसत के दिन दे चानण नूं खनेरा कह के प्रचारना ये चानण की निंदिया है। पर मस्या की रात नूं पूर्णमाशी की रात कह के पुकारना प्रचारना ये उसत है। सच एवे कमाई वाले दे जीवन नूं खोटा कह कह के लोकां विच दुष्प्रचार करना ये निंदिया है। रज के निंदिया करने वाले नूं बहादुर ते निधड़क कह के प्रचारना छोटी उस्तत है। महाराज कहिंदे दोनों परवाह ने। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा जीव का दूजा दोष ये वे कि निंदिया जदों बंदा ये करदा है। पर सिख जिहड़ा निर्मल किरदा है प्यारो किते भी जाएगा करनी तां दूर की गल। मैं बेनती करा कौन है निर्मल, वह दूजे की निंदिया सुन के भी दूर हो जाता है। ताई भाई साहब ने कहा खौं तिस कोल घुमाया पर निंदा सुन आप हटावे। भाई निंदा सुन के आप हटावे अपने आप नूं दूर करके। अमृतसर एक गुरमुख प्यारे अनमत दे साधु ने गुरमुख प्यारे शब्द तां वरते गुरु रामदास जी दे दरबार चो छू मिली कीर्तन सुनदे सन पर अठे पैर दरबार साहब रहना बाहर शरीरक किरिया सोधन जाना कीर्तन सुन तो बाद किते बाजार जाना पै जाना। ते उन्हां दे दो मुंडे बुंदे उन्हां दे जिहड़े पुराने समय बीबियां होंदियां सन वह अपने कन्न च पा लैने शायद मैं थेरस कीती होवे। ते जदों जाना कन्न बंद एक दिन किसे पुछ रहा इन्ना कीर्तन सुन दिओ ये कन्न क्यों बंद करके बाजार तुरदे हो।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਟੋਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਟੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾ ਸੱਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਨ ਮੈਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਗੰਦ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਕਿ ਉਸ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬੋਡੀ ਉਸ ਮਲੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ, ਇਸ ਮਾਟੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਚੋਰੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਘਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੋਰ ਨੱਚਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਚੋਂ ਨ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਬੱਦਲ ਕਾਲੀਆ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਮੋਰ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੀ ਜਾ ਚਾਹੀ। ਇਹਨੇ ਗਾਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਉਹ ਮੋਰ ਦਾ ਨ੍ਰਿਤ, ਮੋਰ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡ ਨਾ ਗਏ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੋਰ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਖੱਕ ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੇਖ, ਉਹਦਾ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇਖ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਫੇਟ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ। ਪਰ ਚੰਦਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਚੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਗਣ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਛੱਡੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਚਮੜੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਰ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇਖਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਖਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਵਰਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਵਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵਾਪਸ, ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਵਰੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਸ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ
एदिया जड़ा विच डड्डू बैठा है, वो चिकड़ ते जाला खांदा है। मैं कहन लगा नेड़े रहण वालिया तेनू चिकड़ दिसदा पे, मैं दूरों आके भी खेड़े दा आनंद माण गया। सतगुरु ने कहा ऐब तन चिकड़ो ए मन मीन को, कमल की सार न मूल पाए। प्यारियो ऐबां दा चिकड़ असी इकट्ठा कर रहे पर खेड़े दी तां गल ही कोई ना कीती। कमल दा फुल एक देखदा है, दूजा ओहदा चिकड़ दिसदा है। मैं इस तो अगली बेनती करा, अंब दा फल असी खाने चीर के जा चूस के, पर आपां कहांगे वाहिगुरु ओनू अमृत फल कहा गया, अमृत वर्गी मिठास। एक फल खा के कहिंदा है परमात्मा तेरा शुक्र, तू अग विच भी रस पैदा कीता, लकड़ विच अग भरी है, पर उस लकड़ दे रुख नाल टाणी नाल अंब दा फल लगा, अग विच ओने रस ते मिठास भरिया। वो कहिंदा इन्ना मिठा ते मेरे वर्गा औगण देखण वाला कहिंदा सिफता करी जांदे हो, इहदी गिटक नूं तोड़ के विचों गुठली कढ के खा के देखो, जहर तो वध कौड़ी। मैं कहना जिहड़ी चीज रब ने भी ढक ढक के रखी, औगणा वाला ओनू भी पट के उहदी कुड़त्तन प्रगट कर लिया। रब ने तां गिटक नूं भी ढक के रखिया भी रहण दिओ कौड़ी, तेरा संबंध नहीं इहदे नाल, तेरे लई मिठास पैदा कीती। मैनूं इंज लगदा सिख भी ना जो कुछ रब ने दिता ये भी लोगों दियां गुठलियां फोल फोल के उन्होंने औगण ही बाहर कढ रहे। भाई साहब ने वचन कहे, कहन लगे जैसे नैन बैन पंख सरबुंदर सुंदर सरबग मोर, ताके पग और देख दोख ना विचारिए, संदल सुगंध अत कोमल कमल जैसे, कंटक बलोक ना अवगुण उतारिए, जैसे अमृत फल मिष्ट गुनाद स्वाद, बीज करवाई कै बुराई ना संवारिए, तैसे गुर ज्ञान दान सब ते मांग लीजे। बस आ कितने अवस्था बनेगी जी, मैं गुरु का ज्ञान लैन तो रहा, गुरु नानक साहब न सब ने सुनिया। मैं बेनती करांगा, नेकी साहब ने एक बार लिखिया, मेरा ख्याल उन्हां दी पिछे दा पुस्तक आई सी, उहदे च उन्हां ने लिखिया सदा विगास च, वो कहिंदे उन्हां नूं हिंदू ने सुनिया, उन्हां नूं मुसलमान ने सुनिया, उन्हां नूं बोधी सुनिया, जैनी ने सुनिया, उन्हां नूं इत्थों तक नाथां सिद्धां जोगियां सब ने सुनिया। पर अज आपां नूं किन्ने कु दूजे सुनते पए, क्योंकि संकीर्ण आ चुकी है। दूजियां दी गल छड्डो, अपने च झाती मार के देखियो, निंदा च नहीं जाना। हर एक बंदे दा आपो अपना प्रचारक, आपो अपना कीर्तनी है। हर बंदा जिहड़ा अपने अपने नूं सुनना चाहुंदा, गुरु नूं कहिड़ा सुनना चाहुंदा। भाई साहिब ने कहे कम कर, तेनूं जिथे भी गुरु दा ज्ञान मिले तू चौके ज्ञान लैके आई, जे तेनूं ज्ञान नहीं मिल रहा ते पहला अपने आप नूं सुधार। एवें ए ना करी कि उत्थे जा के किसे दे औगण देख के गुण लियाण दी थां ते औगणां दियां पंडा बन के लै। बंदना सकल भूत तैसे गुर ज्ञान दान सब गुते मांग लीजे, बंदना सकल भूत निंदा ना तकारिया।